हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? कुक फैक्ट्री में आपका स्वागत है। आप अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप हर एक चीज़ ध्यान से देख सके, उसे समझ सके और जब आप अपने घर में बनाएं तो कोई भी मिस्टेक ना हो, आप एकदम परफेक्ट बना सके। एकदम परफेक्ट बनाने के लिए ये वीडियो आपको आखिरी तक ज़रूर देखना होगा। आज हम बनाने जा रहे हैं पपैये की सब्जी, तो चलो देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्रियां लगेंगी। आइए देखते हैं। यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ का पपैया लिया है, हम इसे आधा यूज़ करेंगे। हल्दी लेंगे आधी चम्मच। मैंने हरी मिर्च, कड़ी पत्ता और नींबू लिया है। यहाँ पे शक्कर लेंगे आधी चम्मच, ये ऑप्शनल है। नमक लेंगे स्वाद अनुसार। राई लेंगे तड़के के लिए आधी चम्मच और तेल लेंगे 1 से 2 चम्मच। पहले मैं एक पपैया ले लेती हूँ जिसका आगे का हिस्सा मैं काट लूँगी और फिर मैं इसे आधा काटूँगी। ये जो मैंने पपैया लिया है ये हल्का सा पीला है, इससे इसका टेस्ट अच्छा आता है, इसलिए मैंने हल्का पीला वाला लिया है। ये सब्जी में हम ज़्यादा मसाले नहीं करते, एकदम सिंपल ही रखते हैं इसे, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैंने यहाँ पे शक्कर यूज़ की है, आप चाहें तो उसे अवॉइड भी कर सकते हैं। अब हम इसे छील लेंगे। ये जो आधा पपैये का माप है इससे आप 2 जन को आराम से सब्जी सर्व कर सकते हैं। मैंने रिसेंटली अपने चैनल पे बेसन की पपैये की सब्जी भी डाली है, तो उसका लिंक मैं आपके साथ आई बटन पे शेयर कर लूँगी, तो आप बेसन पपैये की सब्जी भी ज़रूर देखिएगा, वो भी बहुत टेस्टी लगती है और वो टिफ़िन के लिए एक परफेक्ट सब्जी है। अब ये सब छील के हो चुके हैं, अब मैं इसे बीच में से काट लूंगी। आप हमारी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे भी इसे देख के कुछ सीख सके और अपने घर में कुछ नया भी बना सके। अब मैंने इसे आधा काट लिया है। अब मैं एक प्लेट ले लेती हूँ और इसको मैं कद्दूकस कर लूंगी। अब रोज रात 9 बजे कुक फैक्ट्री पे मैं एक नया वीडियो अपलोड करती हूँ, तो रोज रात 9 बजे मैं स्पेशली आपके लिए एक नई रेसिपी लाती हूँ, तो उसे जरूर देखिएगा। हमें अच्छे से इसको ग्रेट कर लेना है, यानी इसे अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे हम। पपैया हम कद्दूकस करके ले रहे हैं तो उसे पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, 4 से 5 मिनट में ये सब्जी एकदम रेडी हो जाती है। आप देख सकते हैं एकदम कद्दूकस करके हो गया है। मैं पैन में 1 से 2 चम्मच जितना तेल ले लूँगी, इसमें तेल भी ज़्यादा नहीं लगता। तेल जब हल्का गर्म हो जाएगा तब हम इसमें राई डाल देंगे। मैंने यहाँ पे हरी मिर्च डाल दी है, इसमें राई डाल दी है, इसमें कड़ी पत्ते डाल दूंगी मैं इसमें और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। चुटकी भर हींग ले ली है मैंने यहाँ पे इसमें,
अब आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, तो इंस्टाग्राम पे भी आप हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अब मैं कड़ी पत्ता डाल दूंगी इसमें और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, मैं ग्रेटेड पपैया इसमें डाल दूंगी जो हमने कद्दूकस करके रखा हुआ है, और हम इसे मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे नमक, हल्दी, शक्कर और नींबू। हल्दी डाल देंगे हम इसमें, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो चुका है, मैं इसमें शक्कर ऐड कर लूंगी और इसे अच्छे से छुला लेंगे हम। अब हम इसमें नींबू का रस डाल देंगे, मैं यहाँ पे आधा नींबू यूज़ कर रही हूँ। इसे मिक्स कर लेंगे। नींबू डालने के बाद मैं ज़्यादा नहीं पकाऊंगी इसे, ये एकदम रेडी है हमारी सब्जी, हमने कद्दूकस की है इसे, इसलिए वो झटपट बन चुकी है। अब हम इसे सर्व करेंगे, है ना, बहुत झटपट बन जाने वाली पपैया की सब्जी। आप अगर वर्किंग लेडी हैं तो आप इसे जल्दी जल्दी इजीली बना सकते हैं, ये बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग रेसिपी नहीं है। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे भी इसे देख के कुछ सीख सकें। बाय बाय फ्रेंड्स।